पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीति आयोग का रिपोर्ट में सामने आया है, बिहार को बेहतरीन राज्य बताया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज की जरूरत है। देखिए जीतन मांझी जी बुजुर्ग नेता है, उनके तजुर्बे भी बहुत, ये अलग बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक और जहां जेडीयू लगातार यह मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहते नजर आए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करना उचित नहीं है, जब नीति आयोग ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी राज्य को यह दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर अब बवाल मच गया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां का भी बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे थे पहले आप वो सुने। नीति आयोग का रिपोर्ट में सामने आया है, बिहार को बेहतरीन राज्य बताया गया है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज की जरूरत है। देखिए जीतन मांझी जी बुजुर्ग नेता है, उनके तजुर्बे भी बहुत हैं, ये अलग बात है कि उनको कितना लोग भी कुछ कहे वो सबको झाड़ करके निकल जाते हैं, ये उनकी आदत है। अब उनकी अकल क्या कहती है, जिसके साथ रहते हैं, हो सकता है उनका बात हुआ हो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली का हुआ हो, फाइनेंस मिनिस्टर से हुआ हो, ये विशेष तरीके कुछ तो दिलवाएं, दिलवा पाएंगे सवाल वहां। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया। मैंने तो कहा गोडसेवादी लोग जिस संविधान को नहीं मानते रहे हैं, 1952 में संविधान बना, 47 में आजाद हुआ, झंडे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, संविधान में दिए गए प्रावधानों के परखचे उड़ाते रहे, ऐसे लोग नए शब्दों पर छोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगी। देश की जनता रोजगार के ऊपर सवाल कर रही है, देश की जनता परेशानी के आलम में है, देश के अंदर भुखमरी के शिकार है, 40 साल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, छोटे छोटे काम करने वाले लोग बर्बाद हो गए जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से। इन सवालों का जवाब क्यों नहीं है चुनी हुई सरकार के पास, जनता ने इन्हीं बुनियाद पे इनको चुना। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद को जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए, कहा कि वो ऐसे ही हैं, इसी तरीके की बातें करते हैं, और अगर इनकी बात हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो आगे क्या करना है इनका काम है, ये सवाल इनसे ही पूछा जाना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया अलायंस ने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है, 25 जून को ये दिन मनाने का ऐलान किया गया है। इस पर भी शकील अहमद अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए, जमकर एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।